कि हम किस समाज का फायदा लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और नेता भी हैं, उस समाज को नहीं बोले। और बाबा साहब का जो स्लोगन है पे बैक टू सोसाइटी, उसको दिल में हमेशा रखें। यदि आपने ये कर लिया और ये एकता कायम रखी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा कोई काम नहीं रुकेगा और कोई भी सरकार हो उसको ये बात माननी पड़ेगी। तो मैं छोड़ करके हम को अपनाई और आगे बढ़े, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक निवेदन है कि जो हमारे लोग आए हुए हैं उनके पानी पीने के लिए टैंकर लगाए हुए हैं चारों तरफ, शौचालय लगाए हुए हैं, एक मेडिकल काउंटर भी है, तो आप इनका उपयोग करें। धन्यवाद। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजकुमार जी इंद्रेश, और इसके पश्चात तैयार हैं श्री सुगत सिंह जी जाटव, और उनके पश्चात हम सुनेंगे श्री मनोज जी मीना को। श्री राजकुमार जी इंद्रेश साहब, शिक्षाविद, लेखक और विचारक, आपसे अनुरोध है आप कृपया अपनी बात केवल 2 मिनट में रखें। श्री राजकुमार जी, सभी को जय भीम, बाबा साहब को नमन, जय जोहार। इनको नमन करते हुए मैं नमन करना चाहूँगा अपने उन माता पिताओं को जिन्होंने मजदूरी करके हम भाइयों को राजपत्रित अधिकारी तक पहुँचाया। वर्तमान में जो बात चल रही है उनका समर्थन करते हुए मैं एक मुद्दा रखना चाहूँगा, पृथ्वीराज गैरवा जी का, पृथ्वीराज गैरवा जी को पुनः पदस्थापित किया जाए, इसकी मांग हम इस मंच के माध्यम से करना चाहते हैं। महिलाओं से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अंधविश्वासों को छोड़ करके बाबा साहब की दी हुई शिक्षा की ओर अपने बच्चों को अग्रसर करें। साथ में संविधान में भर्तियों को नियमानुसार आरक्षण पद्धति लागू हो, इसकी भी हम इस मंच से मांग करना चाहते हैं। मैं मांग करूँगा जातिगत जनगणना की, कि आने वाले समय में जाति के आधार पर जनगणना की जाए, जिस प्रकार से बिहार में लागू हुई है उसी प्रकार से राजस्थान में भी जातिगत जनगणना लागू हो, और हमारी जो संगठन की शक्ति वर्तमान में दिखी है इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पिछले वर्ष जो भवानी निकेतन में राजपूत सभा की जो महारैली हुई थी उसमें वहाँ के मंच से जो आहूत किया गया था, वहाँ के जो वक्ताओं ने कहा था, मुख्य वक्ता ने कहा था कि ये लोग अपने पैसे से घोड़ी पे चढ़ते हैं, अपने पैसे से जो है वो सब कुछ साधन अपनाते हैं, आप लोगों को क्यों ऐतराज होता है। तो हम उन समाज के, राजपूत समाज के उन आताओं को भी जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को जो है अपने मंच के माध्यम से उठाया। अंत में अपनी लेखक हूँ, कवि हूँ, अपनी एक कविता के माध्यम से अपनी बात कर जो है वो समाप्त करना चाहूँगा कि जीत में जीत को हार में हार को स्वीकार करूंगा मैं, कि जीत में जीत को हार में हार को स्वीकार करूंगा मैं, छल से बल से कपट से नहीं, कि छल से बल से कपट से नहीं, हार से हो उत्प्रेरित हार को जीत में बदल लूंगा मैं। कुछ तेरी जीत से सीखूंगा, कुछ अपनी हार से सबक लूंगा, और अब की बार हार को जीत में बदल लूंगा मैं। कि अमृत के वीर पुत्र हो न मृत्यु से डरो कभी, कि अमृत के वीर पुत्र हो न मृत्यु से डरो कभी, अरे मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय जवान। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। जय भीम। श्री सुगत सिंह जी जाटव साहब से हमारा अनुरोध है आप वेलफेयर सोसाइटी नर्स